हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा? एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो नए चैप्टर में क्या स्पेशल होगा, देखो हम बता देते हैं। अभी तक आपने इससे पहले वाले चैप्टर में जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, ठीक है, उसमें एक तो था हेलोजन, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम था हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, जिसमें ये मर्ज, जहाँ पे एक्स फंक्शनल ग्रुप होता था, एक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अटैच होते थे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। सेकंड में आपने पढ़ा एल्कोहल और फिनॉल, दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप OH था, ठीक है, एंड ईथर, ईथर में फंक्शनल ग्रुप ये था बेटा, ठीक है, दोनों तरफ कार्बन का अटैच होना, ऑक्सीजन, इतना फंक्शनल ग्रुप है इसका, ऑक्सीजन दोनों तरफ से खाली होगा, ठीक है, और दोनों तरफ कार्बन अटैच होंगे, तो ये क्या था, ईथर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। बट द स्पेशलिटी अबाउट दिस चैप्टर इज वी आर गोइंग टू डील विद अ न्यू फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज CO। ठीक है बेटा, ऐसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम केवल इस चैप्टर्स में जिसमें कार्बोनिल ग्रुप आता है। इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, क्या आपको याद रहेगा? ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन कहाँ है, तो हमेशा समझ जाना है आपको कि ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है और ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है। क्लियर, याद रहेगा, कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखो, कार्बोनिल ग्रुप किन किन कंपाउंड्स में हो सकता है, किन किन कंपाउंड्स में हो सकता है, ठीक है, एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड में हो सकता है। कैसे होता है, जब ये कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ तो अटैच हो हाइड्रोजन से और दूसरी तरफ अटैच हो बेटा कार्बन से, किससे, कार्बन से, तो कार्बन के लिए मैं जनरली यहाँ पे R लिख सकता हूँ, कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, हम इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एंड व्हेन दिस कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू टू एल्काइल ग्रुप्स, मतलब दोनों तरफ कार्बन से अटैच हो, इधर भी और इधर भी, R ग्रुप का क्या है, R कोई एल्काइल ग्रुप है जिसका कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तब हम इसे बोलेंगे बेटा कीटोन, क्या बोलेंगे हम इसे, कीटोन, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना है ना होनी चाहिए, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे, ठीक है, एकदम आराम से मस्ती से पढ़ो। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे प्रेजेंट होता है ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ होता है बेटा R, दैट इज एल्काइल ग्रुप होगा कोई, दूसरी तरफ ये अटैच होगा ऑक्सीजन से, ठीक है, इन एटम्स को मैं अलग अलग तरीके से दिखा देता हूँ जिससे आपको कभी मिक्सिंग नहीं होगी, दिमाग में रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा और फिर H होगा, ठीक है, तो जब कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन से और दूसरी तरफ कार्बन से अटैच हो, ऐसे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड और देयर डेरिवेटिव्स बोलेंगे, देयर डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है बेटा कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही रहे, लेकिन इसमें मैं कुछ एक आध एटम हटाऊं और इसकी जगह दूसरा एटम लगा दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल RCO, फिर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को एज इट इज मेंटेन किया, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन को मैं एज इट इज मेंटेन करता हूँ, लेकिन अब इसकी जगह में R कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, इसको मैं R प्राइम बोल देता हूँ, जिससे ये इससे अलग आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, तो ये ऐसे डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, और क्या डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, RCO, फिर आगे ये ग्रुप लगा सकते हो आप, ठीक है, ये भी एक डेरिवेटिव है, हम कुछ कर नहीं रहे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एक जगह हमने R प्राइम लगाया है, एक जगह हमने ये वाला ग्रुप लगाया है, ठीक है, हमने क्या किया, ये और कोई नहीं, ये एसाइल ग्रुप है,
ये क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच किया है, ये क्या है, एसाइल ग्रुप है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड में छेड़छाड़ करने के बाद कुछ टच किया हमने, कुछ वहां से निकाला, कुछ ऐड किया करने के बाद हमें वैसे ही तरीके से दिखे, है ना, नेचर तो वही है, देखो RCOO, तो हम उन्हें उस पेरेंट एटम, पेरेंट कंपाउंड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने डेरिवेटिव बनाया है इसको बोलेंगे RCOOR प्राइम को एस्टर टाइप ऑफ कंपाउंड, क्या बोलेंगे बेटा, एस्टर, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो नीचे बना हुआ है, ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा एनहाइड्राइड टाइप ऑफ कंपाउंड, याद रहेगा एनहाइड्राइड टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एनहाइड्राइड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर और कौन से कंपाउंड्स बचते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ तो अटैच हो कार्बन से, ठीक है, दूसरी तरफ अटैच हो बेटा नाइट्रोजन से, किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है। ये बात अलग है, इस पे हाइड्रोजन लगाए, एल्काइल लगाए, तो मैं केवल इसके अटैचमेंट देखने डायरेक्ट, एक तरफ नाइट्रोजन से एक तरफ आर से, तो ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, एमाइड्स, क्या बोलेंगे, एमाइड्स, इज इट क्लियर, क्या बोलेंगे बेटा, एमाइड्स, ठीक है। और भी बन सकते हैं, जैसे जैसे R, C, O और दूसरी तरफ किसी हेलोजन से अटैच हो जाए, ये X क्या है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन है, FCl-BRI कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं एसाइल हेलाइड्स, एसाइल हेलाइड्स, क्लियर है बेटा, एसाइल हेलाइड्स, समझ में आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो, और हर एक कंपाउंड की एक ही खासियत है, आपको सभी कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा, देखो है ना, कार्बोनिल ग्रुप सब में है, इसमें तो दो दो है, ठीक है। तो ये सब वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन करते हैं। क्या इनका सर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज होता है, हाँ बेटा इनका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, वो भी हम आपको समझाते हैं। देखो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ठीक है, इनका बायोकेमिकल प्रोसेस में काफ़ी जगह यूज़ होगा, ठीक है, और फिर कई जगह पे फ्लेवर्स के तरीके से यूज़ होता है। जैसे आपने फ्लेवर सुना है वेनिला, सुना है ना वेनिला, वेनिला आइसक्रीम, हाँ वही वाला, ठीक है। फ्लेवर डालने के लिए कंपाउंड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वेनिलिन, कौन सा, वेनिलिन, वेनिलिन का स्ट्रक्चर देखो, CHO, इधर OCS3 और इधर OH, ठीक है। इसमें सर कार्बोनिल ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा, ये रहा ना CHO, इसको CHO लिख दिया है सॉल्ट में, अदरवाइज आप इसे खोल के लिख सकते हो। इसका नाम है बेटा वेनिलिन, वेनिलिन का स्ट्रक्चर होता है, कहां पे फ्लेवर के तरीके यूज किया जाता है, वेनिला में। दूसरा एक मीडो स्वीट आती है, मीडो स्वीट, ठीक है, उसमें एक मीडो स्वीट आती है, ठीक है, कौन सी, मीडो स्वीट स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, ठीक है, उसके अंदर कंपाउंड यूज किया जाता है फ्लेवर देने के लिए, सेलिसिल एल्डिहाइड, और ये तो आप पढ़ चुके हो पहले ही, पढ़ा था ना, याद करो राइमर टीमान रिएक्शन, जिसमें हम फिनोल से सेलिसिल एल्डिहाइड बनाते थे, क्या करते थे, क्या करते थे, फिनोल की रिएक्शन कराते थे बेस से, फिर CHCl3 से, और देन प्रोटोनेशन, और हमें क्या मिलता था, सेलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। और भी कंपाउंड है, सिनेमोन, ठीक है, सिनेमोन में क्या यूज किया जाता है, सिनेमेल्डिहाइड, क्या फॉर्मूला होता है सिनेमेल्डिहाइड का, ये
सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ, ठीक है, सी एच ओ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, लेकिन आपको याद रखना है कि सी एच ओ मतलब इस तरीके से होगा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी शॉर्ट में लिख दिया तो इसे आप ऐसे खोल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक एच और आएगा, ये सिनेमेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। सिनेमेल्डिहाइड किस में यूज होता है? सिनेमोन में, ठीक है, सिनेमोन को फ्लेवर देने में, ठीक है, काफ़ी सारे यूजेज हैं। फिर इनके यूज आते हैं बेटा बेटा पेंट्स बनाने में, ठीक है, सॉल्वेंट तरीके यूज किए जाते हैं, केवल सॉल्वेंट मतलब केवल मीडियम रहेगा उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो रिएक्ट नहीं करता है लेकिन, ठीक है, तो एस ये सब एसीटोन वगैरह यूज किए जाते हैं, जैसे एडहेसिव्स, पेंट्स, रेजिन्स, ठीक है, प्लास्टिक्स, ये सब चीज बनाने में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था कार्बोनिल ग्रुप ऑफ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के, जिसमें हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने वाले हैं, स्पेशली तीन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर इनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी जहाँ जहाँ इनकी प्रिपरेशन या यूजेज आएंगे वो भी हम स्टडी करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।